स्वागत है वैसे फैमिली में आपका। इस वक्त मैं हूँ आपके साथ है। कई बात करते हैं मध्य प्रदेश की मौसम की जानकारी के बारे में। तो मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी की शुरुआत हो गई है। प्रदेश के कई शहरों में सर्द हवाओं का सितम जारी है। सोमवार को एमपी के 24 जिले शीतलहर की चपेट में रहे। ग्वालियर, चंबल, सागर और भोपाल में उत्तरी हवाओं के बढ़ने के कारण शीतलहर चलती रही। इन शहरों के असर होशंगाबाद, इंदौर और जबलपुर संभाग में भी तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में सबसे कम तापमान पर्यटन स्थल पंचमढ़ी में दर्ज हुआ। पंचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री दर्ज हुआ। उमरिया, नौगांव में पारा 1.2 डिग्री और ग्वालियर में तापमान 1.8 डिग्री दर्ज हुआ है। भोपाल में 3 दिन से पड़ रही कड़ाके की सर्दी ने मध्य प्रदेश में नया रिकॉर्ड बनाया है। राजधानी भोपाल में पारा 3.4 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं पंचमढ़ी सबसे ज्यादा ठंडा रहा। पंचमढ़ी में न्यूनतम तापमान -0.5 डिग्री पर रहा। भोपाल में 3 दिन से पड़ रही कड़ाके की ठंड ने नया रिकॉर्ड बनाया है। बता दें आपको कि 94 साल में दिसंबर में 2 दिन लगातार रात के तापमान और एक कोल्ड डे का रिकॉर्ड बना है। सोमवार को भोपाल, शिमला से भी ठंडा मौसम रहा। उमरिया में 1.2 डिग्री, ग्वालियर में 1.8 डिग्री और खजुराहो में 2.6 डिग्री और रायसेन में 2.2 डिग्री, वहीं मंडला में 2.8 डिग्री। और इसी तरह से जो है प्रदेश के 46 जिलों में शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। वहीं सर्द हवाओं से फसलों को भी काफी नुकसान हो रहा है। चने, टमाटर, मिर्च, आलू और बैंगन की फसलों को नुकसान पहुंचा है। तो ये थी मध्य प्रदेश की मौसम की जानकारी। लगातार ऐसी हर आगे की अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।